बच्चे किसी भी देश का भविष्य होते हैं और उनका भविष्य उज्जवल बनाए जाने के लिए सही तरीके से काम करना बेहद ज़रूरी होता है। इसी कड़ी में केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से वात्सल्य योजना के तहत अब तक अनाथ बच्चों को 2500 रुपये मिलते थे, अब हर माह मिशन वात्सल्य के तहत 4000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। जैसे कि विदित है कि बच्चे इस देश का भविष्य हैं, इस देश का कर्णधार हैं और हमारी मौजूदा जयराम सरकार और केंद्र में हमारी मोदी सरकार इस संवेदनशील विषय के लिए कितनी गंभीर है और इस देश की जो आने वाली पीढ़ी है इसके लिए कितना गहन मंथन कर रही है, ये कुछ विषय मैं रख रहा हूँ। अगर मैं ज़िला कांगड़ा की बात करूँ तो यहाँ पे लगभग 200 के करीब करीब ऑर्फन बच्चे हैं जो कि अनाथ बच्चे हैं और जो कि अपने संबंधियों के साथ रह रहे हैं। ऐसे बच्चों को 2500 रुपया पर माह दिया जाता है, परंतु अब मिशन वात्सल्य के अंदर इनको 2500 नहीं 4000 रुपया पर मंथ दिया जाएगा। कोविड महामारी के दौरान देश ने बहुत कुछ खोया, बहुत सारे बच्चे हमारे अनाथ हुए, जिन बच्चों ने अपने दोनों माता पिता इस कोविड महामारी के दौरान खो दिए, उन बच्चों के भविष्य कैसे बने, भविष्य में वे अपने एम को कैसे प्राप्त कर सकें, इसके लिए इस संवेदनशील सरकार ने, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने 10 लाख की FD ऐसे बच्चों के नाम से करवाई है और एक्ट ग्रेशिया जो ग्रांट है उसी टाइम जब उनके माता पिता का देहांत हुआ 50,000 रुपये की एक्ट ग्रेशिया ग्रांट भी दी और इसके अलावा 20,000 रुपया प्रति वर्ष स्कॉलरशिप इनको पढ़ाई के लिए दिया जाता है और इस सब के अलावा 4000 रुपया पर मंथ इनको अलग से दिया जाता है कि अपना जिनसे इनका गुजारा चल सके, परंतु अब मिशन वात्सल्य के अंदर ये 4000 नहीं 6000 रुपया दिया जाएगा। एक महत्वपूर्ण विषय मैंने आपके समक्ष ये लाने थे। दूसरा, हम देख रहे हैं कि इस समय बच्चों के साथ कई बार दुर्व्यवहार की घटनाएं हमारे सामने आती हैं और बहुत सारा हमारा समाज का वर्ग इससे अनभिज्ञ है कि हमें क्या करना है। इसलिए एक नंबर जो हमें याद रखना है 1098 कि जब भी ऐसे बच्चों के साथ कोई विषय हो, बच्चों के साथ कुछ छेड़छाड़ का विषय हो, तो हम इस नंबर पर फ़ोन करके सूचित करें। और इसके अलावा आने वाले समय में साइबर क्राइम में हम विभिन्न स्कूलों में विभिन्न जगहों पर SP कांगड़ा के माध्यम से आने वाले समय में वर्कशॉप करेंगे, सो दैट कि जो एक्सेसिव यूज़ ऑफ मोबाइल ड्यूरिंग कोविड हुआ है, बच्चों को साइबर क्राइम क्या है और इससे क्या हमें करना है, क्या हमारे डूज है, क्या डोंट है, इस बारे में बच्चों को आगे प्रशिक्षित किया जाएगा। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से निरुपचित निपी की रिपोर्ट।